Hello students, I'm your teacher Aisha. Today I will teach you second chapter, The Beauty of Difference of class 6. But those students who missed the first chapter, please consult previous videos. The Beauty of Difference means Antar ki Sundarta. Ye kahani jo hai ek choti ladki jiska naam Shireen hai, uski hai. Shireen was still a relatively young girl when her parents sent her away from her home in Tehran to live in a big city in England called London. Shireen abhi bhi ek choti bachchi thi jab uske mata pita ne Tehran mein apne ghar se dur usko England ki ek bade shahar jise London kaha jata hai wahan rehne ke liye bheja. Shireen did not like the idea of going to live with her cousins in England. शीरीन को अपने कज़िन्स के साथ इंग्लैंड में जाकर रहने का आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. बट हर मदर टोल्ड हर, लेकिन उसकी मम्मी ने उससे कहा, इट इज़ बेस्ट लिटिल वन, ये सबसे अच्छा है छोटे बच्चे. वो छोटा बच्चा शीरीन को कहती हैं, इट इज़ नो लॉन्गर सेफ हेयर एंड यू विल हैव एन एक्साइटिंग न्यू लाइफ इन इंग्लैंड एंड यू विल मेक ऑल काइंड्स ऑफ न्यू फ्रेंड्स. और अब यहाँ रहना सेफ़ नहीं है, मीन्स तेहरान में रहना सेफ़ नहीं है, और वहाँ पर इंग्लैंड में उसे एक अच्छी लाइफ मिलेगी और वो वहाँ पर कई तरह के नए फ्रेंड्स बना सकेगी. सो द डे अराइव्ड एंड शीरीन्स मदर एंड फादर ड्रोव हर टू द एयरपोर्ट वेयर शी वुड बी एस्कॉर्टेड ऑन टू द प्लेन बाय हर आंटी. फिर वो दिन भी आ गया जब उसके मम्मी पापा उसको लेकर एयरपोर्ट गए और जहाँ से उसकी आंटी उसको लेकर प्लेन में जाएंगी. Shireen's mother knelt down beside the little girl and hugged her and stroked her hair. Shireen की मम्मी जो है शीरीन के सामने जो है वो घुटनों के बल बैठ जाती हैं, उसे गले लगाती हैं और उसके बालों को सहलाती हैं. She said to her daughter, वो अपनी बेटी से कहती हैं, I know that you will make us proud, little one. हम जानते हैं तुम हमें जो है वो proud feel कराओगी. And don't you worry, soon your father and I will come to England and you can show us all of the things to see in London. तुम चिंता मत करो क्योंकि बहुत जल्द मैं और तुम्हारे फादर दोनों लोग इंग्लैंड में तुम्हारे पास आ जाएंगे और फिर तुम जो है हमें लंदन में जो है सारी चीज़ें दिखाना. I suppose I could do that, said the little girl as her auntie took her hand and explained that it was time to get on to the aeroplane before it flew without them. Shireen कहती है काश मैं ऐसा करूँ, लेकिन उससे पहले ही उसकी आंटी उसका हाथ पकड़ती हैं और उससे कहती हैं कि अब हमें एरोप्लेन में चलना चाहिए इससे पहले कि एरोप्लेन हमारे बिना ही चला जाए. When she arrived at the airport in London, जब वो लोग लंदन में एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं, शीरीन नोटिस्ड विद सरप्राइज दैट शी वॉज़ द ओनली वन वेयरिंग अ चादर. तो वो वहाँ पे नोटिस करती है कि वो सिर्फ अकेली लड़की है जिसने चादर पहनी है. ऑफ कोर्स शीरीन वांटेड टू टेक हर चादर ऑफ बिकॉज शी डिड नॉट लाइक बीइंग स्टेयर्ड एट. शीरीन अपनी चादर को उतारना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोग उसे बार बार देखें या घूरें. एंड शी विश्ड दैट शी वॉज बैक इन तेहरान वेयर इट वॉज सनी एंड हर टोज वुड बी वार्म वंस मोर. और वो सोचती है काश वो अभी जो है तेहरान में होती जहाँ की अभी गर्मी है, क्योंकि लंदन में जो है वो बहुत ठंड होती है और उसके जो है पैर जो है वो फिर से गर्म हो जाते. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर. And students, you have to write the Hindi meaning of highlighted words. Have a great time.